नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ। दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आप सभी से हम मुखातिब होते हुए बेहद खुश होते हैं दोस्तों कि जानकारियाँ एकत्रित करके आप सभी के लिए हम लाते हैं। दोस्तों हाँ, आपसे भी हम एक उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि आप सभी हमें सुझाव देना न भूलें या फिर अपनी ओपिनियन देनी न भूलें, अपनी राय देनी न भूलें, क्योंकि वो बेहद कीमती होता है हमारे लिए दोस्तों। या फिर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे कर सकते हैं दोस्तों। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उस पर शोध वर्क करके, यानी कि ढूंढ करके, जानकारियाँ एकत्रित करके आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करें दोस्तों। आइए ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन औषधि लाए हैं दोस्तों, जो आपके लिए ऑलवेज लाभकारी साबित होती है। उसके गुणों से आप सभी को अवगत कराते हैं दोस्तों, और किन किन बीमारियों को वो दूर कर सकता है ये भी आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी औषधि है शलगम। जी हाँ दोस्तों, शलगम, इसकी सब्जी बीमारों को निःसंकोच खिला सकते हैं आप। कच्ची शलगम खाने से दस्त साफ हो जाते हैं दोस्तों। बिवाइयाँ, जी हाँ दोस्तों, शलगम को उबालकर उसके पानी से बिवाइयों को धोएं, फिर उस पर शलगम रगड़ें। रात को ऐसा करके बिवाइयों पर कपड़ा लपेट दें, इससे बिवाइयाँ ठीक हो जाती हैं दोस्तों। मधुमेह, मधुमेह के रोगी को शलगम की सब्जी नित्य खानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बेहद लाभकारी होता है मधुमेह रोगियों के लिए दोस्तों। पेशाब रुक रुक कर आने पर एक शलगम और एक मूली कच्ची काट कर मिलाकर खानी चाहिए, जरूर लाभ होगा दोस्तों आप सभी को। मसूड़ों और दांतों के रोग, शलगम को कच्ची चबा चबा कर खाने से ठीक हो जाते हैं दोस्तों, तथा दांत साफ रहते हैं। ठंड से अंगुलियों की सूजन, 50 ग्राम शलगम 1 किलो पानी में उबालें, फिर इस पानी में हाथ पैर रखने से अंगुलियों की सूजन दूर हो जाती है। दमा, जी हाँ दोस्तों, शलगम, बंद गोभी, गाजर और सेम का रस मिलाकर सुबह शाम 2 सप्ताह तक पीने से लाभ होता है दोस्तों। दमा, खांसी, गला बैठना, जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, दमा, खांसी एवं गले का बैठना। शलगम को पानी में उबालकर इस पानी को छानकर शक्कर मिलाकर पीने से लाभ होता है दोस्तों। गला बैठना, गाने और भाषण देने वालों के लिए शलगम का साग लाभदायक है दोस्तों। इसी वजह से हम बोलने वाले लोग या फिर सिंगर्स जो होते हैं वो शलगम का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो आप सभी के लिए भी ये गुणकारी शलगम बेहद लाभकारी हो सकता है दोस्तों, अगर आप सही ढंग से इसका इस्तेमाल करते हैं तो। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों और महत्वपूर्ण औषधियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।